प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 महादेव अक्षर अक्षरम अम्बरांत धृते है, यही चल रहा है ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का अधिकरण कौन सा है? द्वितीय अधिकरण, द्वितीय अधिकरण की तृतीय अधिकरण, तृतीय अधिकरण, तृतीय अधिकरण और दसवां सूत्र है अक्षरम अम्बरांत धृतेः। उच्चारण करोगे ना, कैसे करोगे? अक्षर मंबरांत धृतेः, बोलिए अक्षर मंबरांत धृतेः, ऐसे पाठ करना है। भामती में चल रही थी, ये जो अक्षर है ये बृहदारण्यक में आया। गार्गी ने पूछा था तो सारा जगत तो किस में आश्रित है? तो आकाश जो परमात्मा है, आकाश शब्द से जिसको कहा गया कारण ब्रह्म, उसमें आश्रित है जगत रूपी कार्य। और वो जो कारण है वो भी किस में आश्रित है? तो बोल दिया अक्षरम। इसलिए अक्षर से क्या लेना चाहिए? तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि अक्षर से वर्ण को लेना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में तो प्रसिद्ध है जो वर्ण होता है अक्षर वो प्रसिद्ध है। दो अक्षर पढ़ लिया तो क्या पढ़ लिया? वर्ण पढ़ लिया, धन में ना। तो इसका सिद्धांत ही निराकरण करते नहीं, अक्षरम परमात्मा एव सूत्र में जन अक्षरम, अक्षरम कहने से अक्षरम परमात्मा एव है ना, न तो वर्ण। अक्षर शब्द से वर्ण को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? तो सूत्र में हेतु दिया गया कि यह अम्बरांत धृते है। अम्बरांत, अम्बर मतलब क्या है यहाँ पर? आकाश का अर्थ, आकाश का अर्थ क्या है? कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म। तो अम्बरांत और अंत शब्द का अर्थ अंत शब्द का अर्थ क्या है? कम से कम सूत्र का अर्थ तो आना चाहिए, बताओ कोई। अंत शब्द का अर्थ क्या है? क्या है अंत शब्द का अर्थ? पर्यंत, पर्यंत। कारण ब्रह्म पर्यंत, अम्बरांत का अर्थ हो गया कारण ब्रह्म पर्यंत सारा जगत, ये अम्बरांत का अर्थ है, हो गया। कारण ब्रह्म पर्यंत सारा जो विकार जो कार्य है जगत, विकार जो का जगत है, उसकी धृति उसका धारण करता है कौन? कौन करता है? अक्षर ब्रह्म। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म लेना है। अक्षर शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म, जो निर्विशेष जो ब्रह्म है
वो सबको धारण करता है, सबको सत्ता देता है, जगत रूपी कार्य को भी देता है, कारण ब्रह्म को भी वही सत्ता दे रहा है। धर्मे कि नहीं? ऐसा कह दिया। अच्छा, इसका है विचार भामती में दिया। तो अम्बरांत है पृथ्वी आदि से लेकर के कारण ब्रह्म पर्यंत जितने भी है जगत, सबको धारण करना ये वर्ण नहीं कर सकता है। वर्ण जो शब्द है क ख ग, इसको धारण कैसे करेगा? अपितु धारण कौन करता है? परमात्मा धारण करता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के तो सारा का सारा विकार है, परमात्मा के ही सारा सारा का सारा जगत बिता विकार है। परमात्मा में ही सारा जगत क्या है? विवर्त है। तन्मय कि नहीं? सब अध्यस्त है परमात्मा में। पिछले का सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम कहा, आत्मा एव इदम सर्वम कहा। इसलिए परमात्मा का ही सारा का सारा जगत विगर विवर्त है। इसलिए परमात्मा सबको सत्ता देने वाला होगा, सबका अधिष्ठान है। हो गया कि नहीं? अच्छा, और पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि जितने भी रूप है अर्थ वाच्य घटपट आदि, वो नाम से भिन्न नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? नाम से भिन्न नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। तो उसका निराकरण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नाम और वाच्य, ठीक है, नाम हो गया अभिधान, और घटपटादि हो गए जो वाच्य अविधेय, अविधेय और अभिधान में सर्वथा अभेद नहीं होता है। ये कहते हैं यहाँ पर, न च नामधेयात्मकम रूपधेयम इति युक्तम। सुन तो भाई, जितने भी रूपधेय, रूपधेय का अर्थ रूप, और रूप मतलब जानते हो यहाँ पर क्या है? रूप, रूप मतलब क्या है? अर्थ वाच्य घटपटादि जो वाच्य है ना, उसको कहते हैं यहाँ पर रूप। जितने भी रूप है वो नाम ही होगा, शब्दात्मक ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है ना। रूपधेयम नामधेयात्मकम इति नच युक्तम। भामति मिली आप लोगों को? मिली? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है बोलिए बोलिए राजू। 342। हाँ, अब विचार चल रहा है, देखो बुद्धि बहुत एकाग्र करो, इसमें एकाग्रता की बात है। तो क्यों? देखो हम बताते हैं, भामतिकार बोलते हैं, स्वरूप भेदात, उपाय भेदात, अर्थक्रिया भेदाच। ये देखो तीन हेतु दिया, किसके विषय में? रूपधेय मतलब वाच्य, अभिधेय वो शब्दात्मक ही होगा, नामात्मक ही होगा, ऐसी बात नहीं है, है कि नहीं? इसमें हेतु भामतिकार दे रहे हैं तीन प्रकार का हेतु। एक कह दिया स्वरूप भेदात, पंचमी का एक वचन है ना, इतना तो मालूम है, राम शब्द आपको याद होगा ही, रामो रामो रामा होता है कि नहीं? हाँ, पंचमी क्या बनता है? रामात, पंचमी में रामा शब्द बनता है। इसी प्रकार स्वरूप भेदों का क्या बनेगा? स्वरूप भेदात, ठीक है। दूसरा कह दिया उपाय भेदात, और तीसरा कह दिया अर्थक्रिया भेदात। कितने हैं तो हो गए? तीन तीन। हाँ देखो कितना सुंदर विचार कर रहे हैं ये। तो पहला हो गया स्वरूप भेद, नाम का स्वरूप अलग है
रूप का स्वरूप अलग है, दोनों का स्वरूप एक ही होगा ऐसी बात नहीं है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। तो कैसे, देखो नाम का स्वरूप क्या होता है, सभी नाम में शब्दत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, है? अरे घट शब्द सुनो, पट शब्द सुनो, कोई भी शब्द सुनेंगे है कि नहीं, उसमें क्या रहेगा धर्म, शब्दत्व, शब्दत्व, शब्दत्व जो है ना जाति, इसको ले लिया यहाँ पर स्वरूप शब्द से, शब्दत्व सामान्यकात्मकानी, पहले नाम को लेकर बोल रहे हैं, ये नाम का स्वरूप क्या है, शब्दत्व सामान्य, सही में शब्दत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अरे कोई भी शब्द सुनो है तो शब्द ही है, नहीं बोलते हैं क्या, कैसा भी सुनो है तो शब्द है, बोलते कि नहीं, मतलब शब्दत्व सामान्य है सर्वत्र, ये शब्दत्व जो जाति है सामान्य, यही हो गया स्वरूप नाम का, हो गया। अच्छा उपाय क्या है, देखो सूत्र ग्राह्याणी ऐसा बोल दिया, सूत्र ग्राह्याणी शब्द को जानने के लिए क्या चाहिए, श्रोतेंद्रिय चाहिए कि नहीं, श्रोतेंद्रिय चाहिए ना, हाँ ये हो गया उपाय, शब्द का ज्ञान के लिए श्रोतेंद्रिय चाहिए, इसलिए सूत्र ग्राह्याणी, सूत्र ग्राह्याणी कौन, नामधेयानी, उधर अन्वय है ना, श्रोतेंद्रिय श्रोत्रण ग्राह्याणी इति सूत्र ग्राह्याणी, श्रोतेंद्रिय से गृहित होते हैं शब्द, श्रोतेंद्रिय ना हो तो शब्द का ग्रहण कहाँ होगा, नहीं होगा, है ना, ये हो गया उपाय भेद। अच्छा और क्या है, देखो अर्थ क्रिया भेद, अर्थ क्रिया भेद, अर्थ क्रिया भेद भी है, कैसे, देखो सुनो भाई, यहाँ पर बुद्धि एकाग्र नहीं करोगे तो भावते समझ में नहीं आएगी, ठीक है, प्रत्यार्थ प्रत्यार्थ क्रियाणी नामधेयानी अनुभूयन्ते, ये देखो ये जो नामधेय मतलब नाम जो सुनते हो ना, ये नाम है, ये नाम जो है ना इसमें क्या होता है मालूम है, प्रत्यार्थ क्रियाणी, प्रत्यार्थ क्रियाणी ऐसा है ना पाठ, है ना, हाँ नहीं वो पहले भी छोटा सा है, अभिधेय प्रत्यार्थ क्रियाणी, है ना, अभिधेय मतलब क्या होता है, अभिधेय मतलब वाच्य, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, नहीं देखो नहीं।